talked about the barter system of actions, problems of barter system of actions, meaning of double coincidence of wants, monetary system of actions, functions of money in short. Today we will discuss the other important concepts related to this chapter, that is money and banking. First of all, we talk about evolution of money. Money is that what money does, as defined by Walker. Money वही चीज है जो money का काम करता है, वो money है simple सा. अगर इस चीज को हम लोग लेते हैं तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में जो भी एक्सचेंज होता था वह गुड्स टू गुड्स था, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी थी. इसलिए उस समय एक्सचेंज का सिस्टम कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, इट्स व्हाई दैट मनी वाज नोन एज कॉमोडिटी मनी. गुड्स के रूप में यूटेंसिल्स का यूज होता था, फर्श के यूज होते थे, उसमें जो है कि राइस यूज होते थे, वीट यूज होता था, साल्ट यूज होते थे, इनको जो है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो है कि लोग यूज करते थे, लेन देन का काम करते थे. इसलिए इसको कहा जाता है कॉमोडिटी मनी. दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ मनी ड्यूरिंग बार्टर सिस्टम. लेकिन उसके बाद जो है कि इन सारी चीजों को कैरी करना मुश्किल होता था. इसके शॉर्टकमिंग्स को अवॉइड करने के लिए एक दूसरा जो है कि फॉर्म ऑफ मनी आया, दैट इज मेटेलिक मनी. इसमें मेटेलिक मनी दैट इज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, तो इन सारे फॉर्म्स में जो है कि मनी होते थे. गोल्ड का जो है कि वैल्यू होता था, सिल्वर का वैल्यू होता था, और उसमें जो है कि लोगों उनकी क्रेडिबिलिटी भी थी, लोगों का कॉन्फिडेंस था, विश्वास था. लोग जो है कि गोल्ड को अपने पास रखना चाहते थे, सिल्वर को अपने पास रखना चाहते थे. इसलिए इस रूप में अगर किसी तरह का ट्रांजैक्शन होता है तो वह उनके लिए जो है एक सेफ पोजीशन था. अगर अदर क्वांटिटी के रूप में लेते हैं तो उनके जो है कि प्राइस का फ्लक्चुएशन वगैरह होता है और इसे लंबे समय तक हम नहीं रख सकते हैं. लेकिन इनको अगर जो है कि हम रखते हैं और करेंसी और जो है कि मनी के सिस्टम से बाहर भी हो जाए, फिर भी उतना वो वैल्यू दे देगा. और इसको उसके बाद जो है कि मेटेलिक मनी के बाद अब इसमें है कि इसको कैरी कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, अगर लॉस्ट होता है कहीं, अगर हमने रख दिया है, किसी तरह की आपदा हो गई, तो उसमें ये सारे वैल्यूएबल्स हमारे बर्बाद हो जाते थे. तो उसके बाद जो है कि इसको और फैसिलिट करने के लिए जब 1935 में आरबीआई का की स्थापना हुई, एस्टेब्लिश हुई भारत में, तो उस सब उसके बाद जो है कि पेपर मनी को जो है कि हम लोग यूज करने लगे. इसमें सारे करेंसी नोट्स आते हैं, चाहे 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का, 10 रुपये का, एंड सो ऑन, सारे जो है कि पेपर मनी जो है कि कही जाती है. तो इसकी इसका जो है कि एडवांटेज क्या है कि इट इज इजली पोर्टेबल, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से हम इसको लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं, रखना जो है कि आसान है. इसलिए पेपर मनी जो है कि हमारे सर्कुलेशन में आया. पेपर मनी के बाद जो है कि एक नया सिस्टम क्रेडिट मनी आया. जब बैंकिंग सिस्टम जो है कि बढ़ने लगे तो वहां जो है कि क्रेडिट मनी के रूप में जो है कि चेक्स वगैरह का यूज होने लगा. चेक्स भी जो है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, तो वहां जो है कि उसको जो है कि क्रेडिट मनी कहा जाता है या उसको बैंक मनी कहा जाता है. इसमें क्रेडिट मनी इसलिए कि चेक जो है कि यह हर आदमी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. अगर जिनको इन पर कॉन्फिडेंस है, जिसके पास जो है कि क्रेडिट है, तो उस क्रेडिट के आधार पर जो है कि वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. सपोज हम कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, किसी दुकानदार के पास हम गए और उनको हम वो हमने जानते हैं और उनका हमारे साथ जो है कि क्रेडिबिलिटी हमारी है, कॉन्फिडेंस है, तो हमारे द्वारा जो भी चेक दिया जाएगा उसको वो एक्सेप्ट करके हमें सामान दे सकते हैं. दैट इज क्रेडिट मनी.
और ये इसको यूज कौन कर रहा है, बैंक इस तरह के जो है कि चेक हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे हम जो है कि अपना ट्रांजैक्शन कर सकें, इट्स व्हाई इट इज आल्सो बैंक मनी। अब इसके बाद जो है कि मॉडर्न अभी जो है कि मनी का जो सिस्टम है दैट इज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में क्रेडिट कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए। अब ट्रांजेक्शन के लिए जो है कि हम पेपर मनी का यूज कम कर, पेपर मनी के साथ साथ प्लास्टिक मनी को यूज करते हैं। अधिक से अधिक जो है कि जो बिग सिटीज है जहां जो है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन का सिस्टम है वहां हम प्लास्टिक मनी को यूज करते हैं। दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ मनी। यहां हम लोग जो है कि मनी का अब है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी, जिस समय मेटेलिक मनी आया तो गोल्ड का जो वैल्यू, मान लेते हैं कि एक गोल्ड का सिक्का है और उसकी कीमत जो है कि एक रुपये है, तो एक रुपये के बराबर का गोल्ड उसमें हुआ करता था। सिल्वर है, अगर 10 ग्राम सिल्वर का कीमत एक रुपये है तो एक रुपये की जो करेंसी बन रही थी तो वह जो है उसमें 10 ग्राम जो है कि सिल्वर हुआ करता था। तो उसमें दैट वाज द फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब है तो दो वैल्यू होते हैं, एक फेस वैल्यू होता है, एक दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। फेस वैल्यू जितने के मनी का वो काम कर रहा है दैट इज फेस वैल्यू। जैसे 5 रुपये के नोट पर 5 लिखा हुआ है, 2000 के नोट पे जो है कि 2000 दैट इज फेस वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये हो गया कि उसमें उसको बनाने में कितने का मटेरियल हमारा लगा हुआ है। तो जो सिल्वर कॉइन्स होते थे, गोल्ड होते थे, उसमें जो है कि उतने गोल्ड और सिल्वर होते थे, अगर अदरवाइज भी हम यूज करते थे तो फेस वैल्यू वाज इक्वल टू द मटेरियल वैल्यू बाय विच इट वाज मिंट। इसलिए उसको कहता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी। इट इज दैट वैल्यू, इट इज मटेरियल वैल्यू ऑफ मनी बाय विच इट इज मिंट। नेक्स्ट इज फुल बॉडीड मनी, दैट इज कि जितने उसके फेस वैल्यू है उतना ही जो है कि उसमें मटेरियल है, दैट इज फुल बॉडीड मनी। फिएट मनी, फिएट मनी है कि यह ऑर्डर पर है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर चलने वाला। जैसे जितनी सारी हमारी करेंसीज हैं, नोट्स हैं, इनका अपना फेस वैल्यू काफी ऊंचा है और उनका जो है कि मटेरियल वैल्यू काफी अधिक है। फेस वैल्यू इज फार ग्रेटर देन मटेरियल वैल्यू। इन दैट सिचुएशन अगर हम उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं और मनी सर्कुलेशन में जो है कि वो नहीं बाहर हो जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात की गारंटी दी है, बाय ऑर्डर यह चल रहा है, उतने का जो है कि वैल्यू गवर्नमेंट हमको देगी, दैट इज फिएट मनी। इट इज दैट मनी विच एक्ट्स एज ए मनी बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट टू डिस्चार्ज द डेट। यहां एक दूसरा लीगल टेंडर मनी है। तो फिएट मनी और लीगल टेंडर मनी दोनों में क्या है कि दोनों मोर लेस एक ही चीज है। लीगल टेंडर मनी इट इज लीगलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, नोबडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, इसको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है। लीगल टेंडर दो तरह के होते हैं, एक जो है कि लिमिटेड लीगल टेंडर, दूसरा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर मीन्स कि एक लिमिट में ही जो है कि इसको कोई भी जो है कि एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे क्वाइंस हुए, क्वाइंस इट इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। अगर मान लेते हैं कि 50,000 का जो है कि हम सामान ले रहे हैं और हमने जो है कि उस शॉपकीपर को 50,000 का क्वाइंस दे दिया तो उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वह लिमिटेड टेंडर है, वह उनको लिमिटेड पावर मिला हुआ है गवर्नमेंट ने, और एक्सेप्ट कर सकते हैं तो वो हमारे मन पर है। दूसरा है कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जितने सारे पेपर नोट्स हैं वह अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, तो इसको किसी भी अमाउंट में जो है कि एक्सेप्ट करना ही है। Nobody can refuse it to discharge the debt. इसलिए उसको कहा गया unlimited legal tender, जैसे सारी currency, ये paper notes हैं।
उसके बाद एक टर्म आता है आपका हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी इट इज टोटल लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई। आरबीआई जितने सारे नोट्स को प्रिंट करता है उस पर एक जो है कि उसका लिगेंड होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ रुपीज सच एंड सच। इसका मतलब है कि जब भी उसको जो है कि सर्कुलेशन से बाहर करेगा तो आरबीआई उतने की परचेजिंग पावर हमें देगी, इतने की लाइबिलिटी आरबीआई के ऊपर जो है कि बनी हुई है। सपोज आरबीआई ने 100 करोड़ रुपए की नोट्स जो है कि इशू किया है, उन्होंने प्रिंट किया है और ये मार्केट में है, तो उतने की लाइबिलिटी जो है कि आरबीआई पर बनी हुई है, जिनके बराबर का वैल्यू उनको देना है। तो इसलिए इसको कहता है इट इज टोटल लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई। It is also known as monetary base. इसके बाद आपका है near money. Near money में कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम जो है कि easily उसको in cash कर सकते हैं, उसको money में convert कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है कि बिल्स हैं, हमारे पास जो है कि बिल्स के अलावा जो है आई विल से बिल्स क्रेडिट एक्सेट्रा, उसको हम जो है कि जब चाहें तब जो है कि इन कैश कर सकते हैं। हमारे पास बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स को हम जो है कि इन कैश कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह जो है कि एक चेक को इशू करके हम बैंक से तुरंत पैसे निकाल सकते हैं, इसमें कुछ समय हमें जो है कि लग सकते हैं, लेकिन इसको भी जो है कि मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा आर नोन एज नियर मनी। गोल्ड है तो नियर मनी के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मनी इन सर्कुलेशन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। किसी कंट्री में किसी टाइम पीरियड में जितने मनी सर्कुलेशन में होती है उसको मनी सप्लाई कहा जाता है। अगेन मनी इन सर्कुलेशन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन ए कंट्री इज कॉल्ड मनी सप्लाई। This is the concept of money supply. Money supply is a stock concept. Stock means जो हम लोग जो है कि पहले ही पढ़ चुके हैं national income and related aggregates में, जिसको किसी particular point of time पर हम जो है measure कर सकते हैं, that is stock variable. तो money supply is a stock variable because it can be measured at a particular point of time. अब यहाँ दो एक चीज जो है आ जाती है कि मनी इन सर्कुलेशन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑल इट मींस और मनी हेल्ड विद पब्लिक। तो पब्लिक जो हेल्ड, पब्लिक मींस इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस फर्म्स एटसेट्रा, इनके पास जो मनी होती है वो हमारा जो है मनी सप्लाई कही जाती है। नेक्स्ट इसके बारे में जो है कि हम लोग डिफरेंट मेजर्स को यहां देखेंगे। नेक्स्ट मनी, बिफोर दैट वी विल डिस्कस मनी सप्लाई। अब जो है कि मनी सप्लाई का 1967-68 तक नैरो कंसेप्ट लिया जाता था, लेकिन 1977 के बाद उसके ब्रॉड कंसेप्ट लिए जाते हैं और आरबीआई जो है कि कितने मनी इन सर्कुलेशन है इसको मेजर करने के लिए फोर मेजर्स को जो है कि यूज करती है। M1, M2, M3 and M4 are the four alternative measures of money supply in India. M1, this is equal to CU plus DD plus OD. हम लोगों के सिलेबस में M1 है, M1 को ही जो है कि हमें पढ़ने हैं। तो what are the components of M1? The M1 CU plus DD plus OD. CU stands for करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक। पब्लिक मींस इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। डीडी डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक। डीडी डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक्स,
इसमें हमारा जो है कि डिमांड डिपॉजिट में जो हम लोग कमर्शियल बैंक के पास है, इसमें नेट डिमांड डिपॉजिट्स को लेते हैं, इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स को नहीं लेते हैं। इसलिए नेट डिमांड डिपॉजिट्स की बात होती है, जो बैंक के ही पास पैसे रह जाते हैं, इंटर बैंकिंग ऑब्लिगेशन उनका होता है, एक दूसरे के ऑन बिहाफ दे आर डूइंग देयर जॉब, तो वह जो है कि इसमें नहीं आता है। इसलिए डीडी नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ओडी दिस इज अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स में एक जो है कि फॉरेन बैंक्स डिपॉजिट है, गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट डिपॉजिट्स है, वर्ल्ड बैंक का डिपॉजिट्स है, आईएमएफ का डिपॉजिट्स है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट है। एक ही बात याद रखनी है कि इसमें कमर्शियल बैंक्स के जो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक्स का भी डिपॉजिट होता है, आरबीआई के पास गवर्नमेंट्स के भी डिपॉजिट होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के या जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, उनको एम अदर ओडी में नहीं रखा जाता है। कॉमर्स डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विथ आरबीआई एंड इंडियन गवर्नमेंट आर नॉट द पार्ट ऑफ ओडी दैट इज अदर डिपॉजिट्स। इसमें फॉरेन बैंक्स डिपॉजिट होगा, फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डिपॉजिट लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई एज M1। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब यहां एक बात आती है कि आरबीआई जो डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई ले रही है, उसका पर्पस क्या है कि मनी इन सर्कुलेशन जो होता है उसके आधार पर जो है कि मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने की बात आरबीआई करती है कि कभी इन्फ्लेशन है कभी डिफ्लेशन है, तो कितनी मनी सप्लाई है और किस फॉर्म में है इसको आरबीआई जानना चाहती है। तो यहां सबसे अधिक जो है कि इफेक्टिव कौन सा M1 होता है, क्यों? इसकी लिक्विडिटी काफी अधिक होती है। और उसके बाद जो है कि M1 के बाद M2 के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, बट इट इज नैरो कांसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि मनी इन सर्कुलेशन जो है कि अदर फॉर्म्स में भी होते हैं। तो यहां हम ये तीन कंपोनेंट्स को ले रहे हैं, अदर फॉर्म्स को जो है कि अदर डिपॉजिट्स को नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए यहां जो है कि एक दूसरा जो है कि मेजर आता है M2। M2 इज इक्वल टू M1। M1 के ये सारे कंपोनेंट्स उसमें आएंगे, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। हम लोग पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा करते हैं, पैसे को जो है कि विड्रॉ करते हैं और हम ट्रांजेक्शन करते हैं, इसलिए कि वह भी जो है कि सर्कुलेशन में ही मनी है, M1 में वो नहीं आते हैं। M1 में सिर्फ जो है कि कमर्शियल बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई और करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, हम लोगों के पास जो क्वाइंस करेंसी नोट्स एक्सेट्रा होते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स जो है इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसलिए M2 के फॉर्म को लिया जाता है। तो M2 M1 की तुलना में अधिक ब्रॉडर कंसेप्ट है। अगर लिक्विडिटी की बात करेंगे तो हम जो है कि बैंक से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, ATM से हम पैसे निकाल रहे हैं, चेक देके हम पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन ये सुविधा जो है पोस्ट ऑफिस के साथ नहीं होती है। इसलिए पोस्ट ऑफिस में जो भी डिपॉजिट्स हैं उनकी लिक्विडिटी इनकी लिक्विडिटी से कम होती है। इट्स व्हाई M2 इज लेस लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन कंपेरिजन टू M1। थर्ड वन इज M3। M3 इज इक्वल टू M1। दिस थ्री CU प्लस DD प्लस OD। इसके अलावा बैंक के पास जो है कि टाइम डिपॉजिट्स भी होता है। यहां हम लोगों ने डिमांड डिपॉजिट्स को लिया है। डिमांड डिपॉजिट्स में दो डिपॉजिट्स हो गए, एक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होता है और दूसरा जो है करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है। लेकिन यहां जो है जब M3 की बात करते हैं, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, जिसमें हमारे जो है कि रेकरिंग डिपॉजिट्स होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, इस पैसे को जब चाहें तब हम नहीं निकाल सकते हैं, इमीडिएट इसकी लिक्विडिटी नहीं है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो है कि हम इसको सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, सेविंग डिपॉजिट में कन्वर्ट करने के बाद ही इस पैसे को हम निकाल सकते हैं। इसलिए इसको जो है अलग कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। दिस इज M3। अब M3 में जितने सारे आ गए
तो ये सारे इनके आ गए अलोंग विथ द नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स, और बैंक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस मॉनेटरी सिस्टम, इसलिए इसको जो कहा जाता है दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई इसको यूज करती है। उसके बाद जो है कि M4 में अब टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस में जो है कि फिक्स डिपॉजिट भी होता है, रेकरिंग डिपॉजिट भी होते हैं, दोनों डिपॉजिट्स को जो है कि यहां हम लोगों ने नहीं लिया, सेविंग डिपॉजिट्स को लिया था, इन टोटल डिपॉजिट्स को अगर हम M3 में मिला जाते हैं दैट इज M4, M4 इज द ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई, हाउएवर लिक्विडिटी ऑफ दिस मेजर इज लिस्ट। तो इट्स व्हाई दीज आर वन इंपॉर्टेंट एक्सक्लूडिंग NSE, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। जबकि हम पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो हम लोग पोस्ट ऑफिस से NSE को खरीदते हैं, और NSE को जो है कि फिर वहां मैच्योरिटी के बाद पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं और पैसे की को निकालते हैं, लेकिन ये पैसे जो है कि गवर्नमेंट के पास जो है कि चला जाता है, यह पोस्ट ऑफिस के पास नहीं होता है, इसलिए जो है कि इसको उसके बाहर कर, तो हम लोगों ने जो है कि मनी सप्लाई के कंसेप्ट को, तो ये मनी सप्लाई के कंसेप्ट हो गए, इवोल्यूशन ऑफ मनी हो गया, इसके साथ साथ जो है कि ये हमारे डेफिनेशंस हो गए। इसके बाद जो है कि बारी आती है कि मनी मल्टीप्लायर, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, वी विल टॉक इन नेक्स्ट क्लास।